नमस्कार। आज बहुत बड़ा दिन है। बाबरी केस से जुड़े हुए जो भी आरोपी हैं, 32 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ तकरीबन 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है कोर्ट में। और जानकर आपको हैरानी होगी कि तकरीबन 351 गवाह हैं इस मामले में, जिसमें तमाम बड़े नाम हैं। लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नाम है इसमें, जिनकी उम्र 92 साल हो गई है। मुरली मनोहर जोशी सरीखे नाम है। उमा भारती, कल्याण सिंह, ये वो बड़े नेता हैं जिन पर आरोप है कि बाबरी विध्वंस के वक्त ये नेता वहां मौजूद थे और भीड़ को उकसा रहे थे। 2003 में पहली बार चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से, सीबीआई कोर्ट में, जिसमें इन्हें आरोपी बनाया गया था। लेकिन तब जब चार्जशीट दाखिल की गई थी तो 120 भी इनके खिलाफ साजिश वाली धारा जो होती है उसे जोड़ा नहीं जा सका था। उसके बाद 2007 में पहली बार इस पर, इस पूरे मामले में गवाही शुरू हुई और अब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि जो विवादित स्थल था उसके बारे में कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुका है। पिछले साल हमने देखा कि पिछले साल ही फैसला आ चुका था इस मामले में, और कोर्ट ने ये फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन अब चूंकि साजिश का आरोप है कि साजिश के तहत बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, ये आरोप है, तो अब इस मामले में सुनवाई होगी। एक बार फिर आपको बता दें कि 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ में एक विशेष अदालत बनाई गई थी इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए, और उसमें एक मुकदमा दायर किया गया था 197/92। इसी मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन तभी क्या हुआ कि उस वक्त 120B यानी जो साजिश की धारा होती है वो नहीं जोड़ा जा सका था। मूल FIR में ये धारा नहीं जोड़ी जा सकी थी, जिसके बाद फिर से नए सिरे से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी। 2003 में जब CBI ने चार्जशीट दाखिल की थी, तब भी कहा यह गया था कि आपराधिक धारा, जो साजिश की धारा जो है 120B, उसे नहीं जोड़ा गया है। और उसके बाद धीरे धीरे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ पूरे मामले की सुनवाई के आदेश दिए थे। आपको भी पता है कि एक साथ और लगातार सुनवाई हो रही थी राम जन्मभूमि मामले में और विवादित स्थल के मामले में। इसके बाद सबसे खास बात आपको बताएं कि बाबरी विध्वंस के मामले में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था, जिसे 38 बार, एक दो बार नहीं, 38 बार विस्तार मिला। लेकिन 38 बार विस्तार मिलने के बाद भी तकरीबन सालों की, 17 सालों तक ये जांच करती रही लिब्राहन आयोग, लेकिन उस जांच रिपोर्ट में जो कुछ भी है वो इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी उस मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी। लिब्राहन आयोग की जो तमाम रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें जिन लोगों को आरोपी बताया गया था, उस रिपोर्ट को बिल्कुल भी आधार नहीं माना गया है कोर्ट में। ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि खबर ये है कि कई जो बड़े नेता हैं वो पेश नहीं हो सकते हैं, जैसे कि महंत नृत्य गोपाल दास भी इसमें एक आरोपी हैं, तो वो, उनकी सेहत चूंकि ख़राब है, उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो इस वजह से वो पेश नहीं होंगे। खबर आ रही है उमा भारती के बारे में कि वो भी कोरोना पॉजिटिव है, तो वो भी पेश नहीं हो सकती। कल्याण सिंह भी कोरोना पॉजिटिव है, तो वो भी पेश नहीं होंगे। कई बड़े नेता जो कोरोना पॉजिटिव है वो पेश नहीं होंगे। लेकिन फैसला किसके पक्ष में जाता है? क्या आडवाणी और जोशी को जेल हो जाएगी? क्या कल्याण सिंह, उमा भारती को जेल हो जाएगी? लोगों की नजर इस बात पर टिकी है।